हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे द टॉप 5 कंपनीज मेकिंग स्लीपर कोचेस फॉर द वंदे भारत एक्सप्रेस। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहली कंपनी है BEML, द बैकबोन ऑफ इंडियाज रेलवे मॉडर्नाइजेशन। BEML रह चुका है की प्लेयर इन द इंडियन रेलवे सीन फॉर डेकेड्स, एंड यही लोग हैं जो कि लाए थे ऑल स्टील इंटेग्रल पैसेंजर रेल कोचेस इंडिया में, एंड सिंस देन दे हैव मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड ओवर 18,000 कोचेस टू द इंडियन रेलवे। अब हम बात करेंगे BEML एंड वंदे भारत एक्सप्रेस के बीच के रिलेशन का। मई 2030 में BEML ने उठाया था एक मैसिव 6.8 बिलियन रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंडियन रेलवे इंटेग्रल कोच फैक्ट्री ICF बनाने के लिए इंडिया की पहली 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट्स। ऑल्दो शुरुआत में इनका लॉन्च होना था मार्च में, बट अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हिट करेंगे ट्रैक्स को बाय मिड अगस्त, विद एमिंग कि BEML डिलीवर करेगा 10 के 10 ट्रेन सेट्स बाय ईयर एंड। ये स्लीपर वर्जन वंदे भारत एक्सप्रेस का एक गेम चेंजर होगा, जो कि लग्जूरियस ऑल एसी कोचेस रखेगा लाइक राजधानी एक्सप्रेस, एंड सारी मॉडर्न एमिनिटीज होंगी इसमें। BEML ने स्पेशल अटेंशन पे करी है टू द एस्थेटिक्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्रेन इंटीरियर्स, स्लीपर बर्थ्स एंड एक्सटीरियर्स। अगर हम इसके फ्यूचर के बारे में देखते हैं तो इंडियन रेलवेज इज सेट टू अवार्ड टेंडर्स फॉर 400 मोर वंदे भारत ट्रेन इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। अगर BEML एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन करता है इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो प्राइम पोजीशन पर आ जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को विन करने के लिए। बेसिकली दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर BEML टू सॉलिडिफाई इट्स पोजीशन एज अ लीडिंग प्लेयर इन द इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। द सेकंड कंपनी इज BHEL, पावरिंग इंडियन रेलवे वन ट्रेन एट अ टाइम। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL वैसे तो जाना जाता है अपने पावर जनरेशन प्रोसेसेस के लिए, बट क्वाइटली इट हैज नाउ बिकम अ मेजर प्लेयर फॉर द इंडियन रेलवे सेक्टर। BHEL है एक की सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स टू द इंडियन रेलवे, पावरिंग बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रेन अक्रॉस द कंट्री। अब हम बात करते हैं BHEL एंड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बीच के रिलेशन के बारे में। एक जबरदस्त मूव में BHEL अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड TRSL हैज बीन अवॉर्डेड अ मैसिव ₹240 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट बाय द इंडियन रेलवे बनाने के लिए 80 सेट्स ऑफ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स बाय 2029। इन ट्रेन्स का प्रोडक्शन इज सेट टू किक ऑफ एट TRSL's उत्तरपरा प्लांट इन June 25 विद एटलीस्ट 50-55% ऑफ दिस कंपोनेंट्स बीइंग मेड इन बंगाल। BHEL भी एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा बाय सप्लाइंग की इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और बाकी के एसेंशियल पार्ट्स टू द ट्रेन। तो अगर हम बात करें BHEL के फ्यूचर इन द रेलवे सेक्टर के बारे में, तो ये लोग तैयार कर रहे हैं टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स कैपेबिलिटीज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर क्रूशियल रेलवे कॉम्पोनेंट। ये इंश्योर करता है कि BHEL कंटिन्यू करेंगे एक लीडिंग फोर्स में टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपैंड इंडियाज रेलवे नेटवर्क। द थर्ड कंपनी इज RVNL, ऑन ट्रैक फॉर इंडिया स्लीपर रेवोल्यूशन। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। RVNL ने हाथ मिलाया है ट्रांस मैंस होल्डिंग सब्सिडरी TMH and locomotive electronic systems LES to bring us the much awaited Vande Bharat sleeper train series. उन्होंने एक special company बनाई है Kinet Railway Solutions Limited, जो कि manufacture, supply and maintain करेंगी ये 120 sleek blue and white Vande Bharat sleeper train sets का। Kinet Railway Solutions Limited सिर्फ ये trains बनाएंगे नहीं, पर responsible होंगे to maintain them for the upcoming 35 years. और ये long term commitment हमें ensure करता है कि ये trains continue करेंगी to run smoothly for the upcoming decades. तो अब हमें भी तैयार हो जाना चाहिए एक new era of comfortable, convenient and modern train journeys with the Vande Bharat sleeper series. So the fourth company is Titagarh Rail Systems, chugging ahead with Vande Bharat. Titagarh Rail System, जो कि एक major player in the railway industry, and they are known for manufacturing a wide range of products, including freight wagons, passenger coaches, metro trains, and even ships. As one of India's largest wagon manufacturers, with a capacity of 8,400 wagons per year, Titagarh's
earns a good chunk of its revenue from Indian Railways. Titagarh Rail Systems and Vande Bharat Sleeper Train is a game changer. ये एक बहुत ही बड़ी जीत है टीटागढ़ के लिए कि उन्होंने टीम अप करा है BHEL के साथ to secure a massive order from Indian Railways to produce 80 Vande Bharat Sleeper Train set. ये एक major milestone है as टीटागढ़ बन गए हैं पहले private sector company to manufacture this iconic train. टीटागढ़ संभालेंगे the overall design, manufacturing and assembly of these sleeper trains. पहली की 8 trains पूरी तरीके से बनाई जाएंगे इनके उत्तरपरा facility में, while the remaining ones will be assembled, tested and commissioned at the Indian Railways facilities in Chennai. इतना ही नहीं, बल्कि 2026 से टीटागढ़ will source the wheels for the Vande Bharat sleeper trains from their own joint venture company, Ramakrishna Titagarh Rail Wheels Limited. ये एक proposed venture है with Ramakrishna Forgings and ये बनाएगा Asia's largest train wheel plant China के बाहर, जिसकी capacity होगी 2,00,000 wheels per year की. अगर हम इनके future के बारे में देखें, टीटागढ़ actively seek कर रहा है strategic partnership इनकी growth के लिए and इनकी involvement in the Vande Bharat sleeper train project is a testament to their commitment to innovation and progress. And the fifth and last company is Ramakrishna Forging, India's unsung hero for India's rail revolution. Ramakrishna Forgings Limited might not be a household name, but ये लोग एक crucial player है in the Indian Railways ambitious project. ये लोग हैं जो बनाते हैं essential parts जो हमारी trains को एकदम smoothly and safely run करता है. हाल ही में Ramakrishna Forgings ने लिया है एक massive order worth rupees 2.7 billion supply करने के लिए components to the Vande Bharat sleeper train project. As a part of this order, Ramakrishna Forgings सिर्फ manufacturer नहीं करेंगे इन सब चीजों को, but develop and validate भी करेंगे. ये show करता है इनकी commitment and innovation and technological advancement in the railway sector को. मेरे हिसाब से, they have a bright future ahead. जैसे कि demand बढ़ रही है for high speed train and government's push to modernize the railway network, Ramakrishna Forgings एक बहुत ही अच्छी position में है for further growth. उनका deep expertise in the manufacturing of critical components combined with their successful involvement in the Vande Bharat project makes them a valuable partner for Indian Railways. Ramakrishna Forgings सच्ची में है एक unsung hero of India's rail revolution, जो कि बिना थके बिना हारे काम कर रहे हैं behind the scenes ensure करने के लिए that हमारी trains run कर रही हैं smoothly and safely. उनका ये contribution to the Vande Bharat project एक testament है उनकी commitment and उनकी excellence का in the innovation in the railway sector. तो दोस्तों, आज मेरा बेटा जो मेरे यहाँ intern कर रहा है, उसने आपके साथ share करे टॉप 5 कंपनीज मेकिंग वंदे भारत स्लीपर कोचेस, वो शेयर करा है. देखिए, इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी हमने ना स्टॉक प्राइस की बात नहीं करी है, क्योंकि ये एक अच्छा थीम है. इस थीम को अगर आपको प्ले करना है तो बेस्ट क्या है, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड ने थेमेटिक म्यूचुअल फंड निकाल रखे हैं, आप भी अपना एक थेमेटिक फंड इसको डेडिकेट कर दें फॉर कंपनीज मेकिंग वंदे भारत स्लीपर कोचेज इन इंडिया, उसको डेडिकेट कर दें. अब उस फंड को डिप्लॉय करने के दो तरीके हैं. सबसे बेस्ट ऑन टॉप तो क्या है कि रेगुलर सिप करें. रेगुलर सिप बेस्ट होता है. अगर आप रेगुलर सिप नहीं कर रहे हैं तो स्कैटर्ड बाइंग करें. अब स्कैटर्ड बाइंग कब करेंगे, जब पैनिक हो मार्केट के अंदर, स्टॉक नीचे मिल रहे हो, ब्लड बात हो मार्केट के अंदर, चाहे वो ब्लड आपका क्यों ना हो. तो यही दो तरीके हैं. कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट कीजिएगा. और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन दबा के YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार और स्नेह यूं बनाए रखिए. जय माता दी. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न.